Hello friends and welcome to Padhai 247. This is Hemant and going to discuss the match point of February month's BSC Magazine. India's next ambassador to Peru, M. Subrayadu. Peru ke liye India ka naya ambassador hai, wo hai M. Subrayadu. Peru ka capital hai Lima, currency hai Sol, president hai Pedro Pablo Kuczynski. Peru ka capital hai Lima, currency hai Sol, president hai Pedro Pablo Kuczynski. The scheme launched by the external affairs minister to take Indian foreign policy to students across the country, Sameep. Student ke dwara Indian foreign policy ko apnane ke liye external affairs minister ke dwara ek scheme launch kiya gaya hai, uska naam hai Sameep. Sameep stands for student and MEA engagement program. MEA means Ministry of External Affairs. External affairs minister hai Mrs. Sushma Swaraj. The head of the committee set up by the government to address the problem of stressed assets इन इंडियाज पावर सेक्टर अमिताभ कांत. भारत में पावर सेक्टर को में जोरदार संपत्तियों की समस्या को एड्रेस करने के लिए सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाया गया जिसका हेड है अमिताभ कांत. द वेन्यू ऑफ द एनुअल मीटिंग ऑफ द जिनेवा बेस्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF डेवोस. जिनेवा बेस्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीटिंग होगा जिसका वेन्यू है डेवोस में. डेवोस इट्स अ पॉपुलर स्काई रिजॉर्ट इन स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड का कैपिटल है बर्न एंड करेंसी है फ्रैंक. स्विट्जरलैंड का कैपिटल है बर्न एंड करेंसी है फ्रैंक. द कंट्री वेयर द 200 पीपल वेयर किल्ड रिसेंटली आफ्टर द ट्रॉपिकल स्टॉर्म टेम्बिन हिट इट. वह देश जहाँ पे टेम्बिन नामक स्टॉर्म आने के कारण 200 आदमी मारे गए वह है फिलीपींस. फिलीपींस का कैपिटल है मनीला. करेंसी है फिलीपींसी पेसो एंड प्रेसिडेंट है रोड्रिगो डुटर्टे. The country named as the best country in the world for the business in the Forbes recent list के अनुसार best country business के लिए हैं वो है UK. UK का capital है London. Currency है pound sterling and prime minister Theresa May. The city where the first ever national rail and transport university NRTU is to be set up, Vadodara. वह शहर जहाँ पे पहला नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी खोला गया है वो है वडोदरा. वडोदरा इज इन गुजरात. गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर. सीएम ऑफ गुजरात है विजय रूपानी एंड रेलवे मिनिस्टर है पीयूष गोयल. गुजरात में है गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गिर नेशनल पार्क एंड ब्लैक बक नेशनल पार्क. मैं रिपीट कर रहा हूँ. द सिटी वेयर द फर्स्ट एवर नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी NRTU इज टू बी सेटअप बाई वडोदरा. वह शहर जहाँ पे पहला नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी ओपन किया गया है सेटअप किया गया है वह है वडोदरा. वडोदरा गुजरात में है. गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर. गुजरात के सीएम है विजय रूपानी और प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर है पीयूष गोयल. गुजरात में है गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. गिर नेशनल पार्क है एंड ब्लैक बक नेशनल पार्क है. द विनर ऑफ द 2017 साहित्य अकेडमी अवार्ड इन हिंदी फॉर लिटरेरी क्रिटिसिज्म वर्क विश्व मिथक सरित सागर रमेश कुंतल मेघ. हिंदी में साहित्य समीक्षा विश्व मिथक सरित सागर के साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2017 के विजेता हैं रमेश कुंतल सागर. विनर ऑफ द सेम अवार्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द नोवेल द ब्लैक हिल ममांग डाई. सेम पुरस्कार इंग्लिश लैंग्वेज में साहित्य द ब्लैक हिल के लिए दिया गया है जिनका नाम है वो है ममांग दाई. द कंट्री विद विच इंडिया हैज साइंड अ पैक्ट फॉर ऑटोमेटिक शेयरिंग ऑफ टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम 1 जनवरी 2018 स्विट्जरलैंड. वह देश जिसके साथ भारत ऑटोमेटिक टैक्स शेयरिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के पैक्ट पे साइन किया है वो है स्विट्जरलैंड. The firm which has acquired a HDFC Realty and HDFC Developer in a ₹357 crore deal quicker. वह firm जो कि HDFC Realty and HDFC Developer को 357 करोड़ रुपये में खरीदा है हुआ है quicker. HDFC establish हुआ था 1994 में and headquarter है मुंबई and MD है आदित्य पुरी. HDFC establish हुआ था 1994 में headquarter मुंबई and managing director है आदित्य पुरी. The winner of the 31st Murti Devi Award for the year 2017 for his poetry collection Do Dondo Fovra Matra. जुआय गोस्वामी 31वां मूर्ति देवी अवार्ड 2017
के विनर कौन है? वो है जॉय गोस्वामी, जो कि जिनके पोएट्री कलेक्शन है डू डोंडो फोबरा मात्रा। विनर ऑफ द ला लिंगा स्टॉप्स स्कोरर एंड बेस्ट प्लेयर अवार्ड फॉर द 2016-2017 लियोनेल मेसी। वह प्लेयर जिसको ला लिंगा टॉप स्कोरर एंड बेस्ट प्लेयर अवार्ड दिया गया है 2016-2017 के लिए, वो है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी फुटबॉलर है, अर्जेंटीना के हैं। द ओडिशा बेस्ड टाटा स्टील माइंस विच हैज वॉन द गोल्डन पीकॉक इनोवेशन मैनेजमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2017। झोडा ईस्ट आयरन माइन, टाटा ओडिशा बेस्ड टाटा स्टील का एक माइंस है जिसको गोल्डन पीकॉक इनोवेशन मैनेजमेंट अवार्ड 2017 दिया गया है, जिसका नाम है झोडा ईस्ट आयरन माइन। झोडा ईस्ट आयरन माइन सीईओ ऑफ टाटा स्टील है टीवी नरेंद्रन। टाटा स्टील के सीईओ हैं टीवी नरेंद्रन। द जस्टिस हु रिटायर्ड द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रिसेंटली। वह जस्टिस जो राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के एज अ चेयरमैन रिटायर हुए, वह है स्वतंत्र कुमार। द फर्म हु हैज एक्वायर्ड फूड पांडा इंडिया। वह फर्म जो कि फूड पांडा इंडिया को खरीदा है, वह है ओला। द फर्म हु हैज एक्वायर्ड फूड पांडा इंडिया ओला। द कंट्री व्हिच हैज अप्रूव्ड अ लॉ बैनिंग ऑल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस बाई 2014 फ्रांस। वह देश जो ऑयल एंड नेचुरल गैस के खोज और उत्पादन पर 2040 तक बैन करने की मंजूरी दी है, वह है फ्रांस। फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो एंड प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। द प्रोग्राम फॉर विच द वर्ल्ड बैंक हैज कमिटेड $125 मिलियन लोन टू इंडिया। स्ट्राइप, वह प्रोग्राम जिसके लिए वर्ल्ड बैंक $125 मिलियन देने का वादा किया है, वह प्रोग्राम है स्ट्राइप। स्ट्राइप स्टैंड्स फॉर स्किल स्ट्रेथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट। द कंट्री विथ विच इंडिया हैज इंक्ड अ पैक्ट ऑन द रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मलसी एंड डेवलपमेंट ऑफ द राखीन स्टेट म्यांमार। राखीन स्टेट के समान स्थिति और डेवलपमेंट के लिए इंडिया के साथ एक इंपैक्ट हुआ है, वह देश कौन है? वह देश है म्यांमार। म्यांमार का कैपिटल है नेपिडो, करेंसी है क्यात, प्रेसिडेंट है तिन क्याओ एंड स्टेट काउंसिलर आंग सान सू की। म्यांमार का कैपिटल है नेपिडो, करेंसी क्यात, प्रेसिडेंट है तिन क्याओ एंड स्टेट काउंसिलर आंग सान सू की। द इरीगेशन स्कीम ऑफ द तेलंगाना विच रिसीव्ड अ ग्रीन नोट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली। कालेश्वरम प्रोजेक्ट, तेलंगाना का वह इरिगेशन स्कीम जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हरा झंडी मिला है, वह है कालेश्वरम प्रोजेक्ट। तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद, सीएम ऑफ तेलंगाना है के चंद्रशेखर राव एंड गवर्नर है ईएसएल नरसिम्हन। तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद, सीएम है के चंद्रशेखर राव एंड गवर्नर है ईएसएल नरसिम्हन। तेलंगाना में है मुरुगवानी नेशनल पार्क, कवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व। द कंट्री विच ओवर टूक सऊदी अरबिया एज इंडिया टॉप ऑयल सप्लायर रिसेंटली। इराक, वह कंट्री जो कि इंडिया में टॉप ऑयल सप्लायर सऊदी बन जाएगा सऊदी अरबिया को पीछे छोड़कर, वह कंट्री है इराक। इराक कैपिटल बगदाद, करेंसी है इराकी दिनार, प्रेसिडेंट है फुआद मासूम। इराक का कैपिटल है बगदाद, करेंसी है इराकी दिनार, प्रेसिडेंट है फुआद मासूम। सऊदी अरबिया का कैपिटल है रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल एंड किंग है सलमान ऑफ सऊदी अरबिया। द नेशनल व्हीकल रजिस्ट्री टू कलेक्ट ऑल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विथ रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज। वाहन, एक नेशनल व्हीकल रजिस्ट्री ई सर्विस पोर्टल है जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के साथ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, जिसका नाम है वाहन। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री हैं, मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी। द बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2017 मो फरा। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2017 के विजेता है मो फरा। बीबीसी अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन स्पोर्टिंग अचीवमेंट। मो फरा रनर है, ब्रिटिश के हैं और यह 2016 में ओलंपिक में दो गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक के 2016 में। द एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी साउदर्न कमांड इन द डिजर्ट ऑफ द राजस्थान रिसेंटली। हमेशा विजयी, इंडियन आर्मी के द्वारा साउदर्न कमांड राजस्थान के साउदर्न कमांड में
इंडियन आर्मी के साउदर्न कमांड ने राजस्थान के डिजर्ट में एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है हमेशा विजय। राजस्थान का कैपिटल है जयपुर, सीएम है वसुंधरा राजे, गवर्नर है कल्याण सिंह एंड डांस है घूमर। राजस्थान में है रणथंभौर नेशनल पार्क, डिजर्ट नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, दर्रा सेंचुरी, जवाहर सागर सेंचुरी एंड सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क, डिजर्ट नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, दर्रा सेंचुरी, जवाहर सागर सेंचुरी एंड सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है एंड चीफ ऑफ इंडियन आर्मी है जनरल बिपिन रावत। द आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट विथ एन आउटले ऑफ आरएस 1400 करोड़ टू अचीव फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ अनबैंक रूरल पॉपुलेशन प्रोजेक्ट दर्पण। वह कौन सा आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है जो कि गैर बैंकीय जनसंख्या में वित्तीय समावेश जैसे कि फाइनेंशियल अवेयरनेस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को अचीव करने के लिए 1400 करोड़ रुपए व्यय किया है? उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट दर्पण। द पर्सन हु वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन द चिली, चिली के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो है सेबेस्टियन पिनेरा। चिली के कैपिटल है सेंटियागो, करेंसी है चिलियन पेसो। चिली की कैपिटल है सेंटियागो एंड करेंसी है चिलियन पेसो। द बैंक ऑन विच आर बी आई इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ ₹5 करोड़ रिसेंटली, वह बैंक जिस पे आर बी आई ने 5 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगाया हुआ है सिंडिकेट बैंक। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई, इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, गवर्नर है प्रेजेंट का वो है उर्जित पटेल। सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर है मणिपाल, सीईओ है अरुण श्रीवास्तव। सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर मणिपाल, सीईओ अरुण श्रीवास्तव। द विनर ऑफ द प्रेस्टिजियस नेशनल डिजाइन अवार्ड 2017 जी सतीश रेड्डी। प्रेस्टिजियस नेशनल डिजाइन अवार्ड 2017 के विनर कौन है? वो है जी सतीश रेड्डी। द स्टेट गवर्नमेंट विच हैज अप्रूव्ड अ स्कीम टू प्रोवाइड अ पेंशन ऑफ ₹1500 टू ट्रांसजेंडर अबव द ईयर ऑफ एज इन द स्टेट 18 ईयर्स ऑफ एज इन द स्टेट आंध्र प्रदेश सॉरी दिस ओके द स्टेट गवर्नमेंट विच हैज अप्रूव्ड अ स्कीम टू प्रोवाइड अ पेंशन ऑफ ₹1500 टू ट्रांसजेंडर अबव 18 ईयर्स ऑफ एज इन द स्टेट आंध्र प्रदेश ने 18 साल के ऊपर के ट्रांसजेंडर को ₹1500 पेंशन देने का स्कीम लाया है, स्कीम को अप्रूव्ड किया है। आंध्र प्रदेश का कैपिटल है अमरावती, गवर्नर है ESL नरसिम्हन, CM है N चंद्रबाबू नायडू एंड डांस आंध्र प्रदेश का है वो कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती, गवर्नर ESL नरसिम्हन, CM है N चंद्रबाबू नायडू एंड डांस है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश में है नेहरू नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, नागार्जुन सागर, श्री सैलम टाइगर रिजर्व एंड कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आंध्र प्रदेश में है नेहरू नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, नागार्जुन सागर, श्री सैलम टाइगर रिजर्व, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। द विनर ऑफ द वुमेन्स सिंगल टाइटल्स ऑफ BWF वर्ल्ड सुपर सीरीज फाइनल इन दुबई, वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ BWF बैडमिंटन ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन सुपर सीरीज के फाइनल में जीते हैं, उनका नाम क्या? उनका नाम है अकेन यामागुची। BWF में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशियाज कैपिटल, कुआलालंपुर है मलेशिया का कैपिटल। द वेन्यू ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का वेन्यू जो होगा वो कहाँ होगा? वो होगा ब्यूनोस एरेस जो कि अर्जेंटीना में है। द कंट्री हुज डायस्पोरा इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एट प्रेजेंट अबाउट 15.6 मिलियन, इंडिया। वह देश जिसके प्रवासी मतलब जो जिस देश के लोग सबसे ज़्यादा विदेश में रहते हैं वह कौन सा देश है? वह देश है इंडिया।
इंडिया के लगभग 15.6 मिलियन लोग विदेश में रहते हैं। डायस्पोरा मीन्स होता है प्रवासी। विनर द पीटर इंग्लैंड मिस्टर इंडिया 2017 टाइटल। पीटर इंग्लैंड मिस्टर इंडिया 2017 के विनर कौन, टाइटल के विनर कौन है, वो जितेश सिंह देव। द सिटी वेयर द इंडियाज फर्स्ट मदन मैडम तुषार वैक्स म्यूजियम ओपन रिसेंटली। वह सिटी इंडिया का वह सिटी जहाँ पे पहला मैडम तुषार वैक्स म्यूजियम खोला गया, वह है न्यू दिल्ली। द कैम्ब्रिज डिक्शनरीज 2017 वर्ड ऑफ द ईयर पॉपुलिज्म। कैम्ब्रिज डिक्शनरी 2017 के वर्ड ऑफ द ईयर है पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म का मतलब होता है लोक लुभावनवाद, लोक लुभावनवाद। द लार्जेस्ट एवर ज्वाइंट एरियल ड्रिल हेल्ड रिसेंटली बिटवीन द यूएस एंड साउथ कोरिया विजिलेंट एस। यूएस एंड साउथ कोरिया के बीच में बहुत बड़ा हवाई अभ्यास हुआ है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है विजिलेंट एस। यूएस का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, करेंसी है यूएस डॉलर एंड प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। यूएस का कैपिटल वाशिंगटन डीसी, करेंसी है यूएस डॉलर एंड प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल, करेंसी है वॉन। प्राइम मिनिस्टर है ली नाक योन एंड प्रेसिडेंट है मून जे इन। साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल, करेंसी वॉन। प्राइम मिनिस्टर है ली नाक योन एंड प्रेसिडेंट है मून जे इन। द साइज ऑफ द फंड अनाउंस्ड बाय द पीएम नरेंद्र मोदी फॉर इम्प्रूविंग रोड एंड NH इन द नॉर्थ ईस्ट ₹90,000 करोड़। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉर्थ ईस्ट में रोड एंड NH को इम्प्रूव करने के लिए जो फंड दिया है वो कितना है, वो है ₹90,000 करोड़। द स्टेट विच हैज पास्ड अ कापू रिजर्वेशन बिल टू प्रोवाइड 5% कोटा टू कापू कम्युनिटी रिसेंटली, आंध्र प्रदेश। वह स्टेट जो कि कापू रिजर्वेशन बिल को में 5% कोटा देगा कपूर कम्युनिटी को, वह कौन सा स्टेट है, वह स्टेट है आंध्र प्रदेश। द वेटरन फिल्म एक्टर हु पास्ड अवे रिसेंटली शशि कपूर। द पेमेंट बैंक टेम्पोरली बैर्ड UIDAI फ्रॉम कंडक्टिंग आधार बेस्ड EKYC, वह एयरटेल पेमेंट बैंक। वह पेमेंट बैंक जिसको UID ने आधार लिंक करने से मना किया है, वर्जित किया है, वह है एयरटेल पेमेंट बैंक, क्योंकि एयरटेल भारतीय एयरटेल आधार लिंक कराने के बाद वो कस्टमर के आधार को एयरटेल पेमेंट बैंक में लिंक करके और कस्टमर को बिना बताए उसका अकाउंट खोल रहा था, जिस कारण से UIDA ने उसे बेयर्ड कर दिया है लिंक करने के लिए KYC को। और UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द कंट्री व्हिच है डिक्लेयर बाय द WHO पोलियो फ्री रिसेंटली, गैबोन। वह देश जिसको WHO के द्वारा पोलियो मुक्त डिक्लेयर किया है, वह कौन सा देश है, वह देश है गैबोन। गैबोन का कैपिटल है लिब्रेविली एंड करेंसी है CFA franc। द ट्रॉपिकल स्टॉर्म विच वाज फ्लडेड द सेंट्रल फिलीपींस रिसेंटली। फिलीपींस में एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया जिसका नाम है काइटाक। फिलीपींस का कैपिटल मनीला, करेंसी है फिलिपिनी पेसो एंड प्रेसिडेंट है रोड्रिगो डुटर्टे। द टू न्यू बैंक विच ज्वाइन द S&P BSE सेंसेक्स रिसेंटली, येस बैंक एंड इंडसइंड बैंक। वह दो बैंक जो कि S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर एंड BSE सेंसेक्स को ज्वाइन किया है, वो है येस बैंक एंड इंडसइंड बैंक। येस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई, CEO है राणा कपूर एंड इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई एंड CEO है रमेश सोबती। द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर 2017 यूथ क्वैक। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2017 कौन सा वर्ड है, वह वर्ड है यूथक्वैक। यूथक्वैक मीन्स ए सिग्निफिकेंट कल्चरल पॉलिटिकल और सोशल चेंज अराइजिंग फ्रॉम द एक्शंस और इन्फ्लुएंस ऑफ यंग पीपल। यूथक्वैक मीन्स ए सिग्निफिकेंट कल्चरल पॉलिटिकल और सोशल चेंज अराइजिंग फ्रॉम द एक्शन और इन्फ्लुएंस ऑफ यंग पीपल। The proposed fund by the Union Cabinet to support leather industry
₹2600 करोड़। कैबिनेट यूनियन कैबिनेट के द्वारा लेदर इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए फंड को प्रपोज किया गया, वो फंड है 2600 करोड़ रुपया। द ट्रांजेक्शन अमाउंट अप टू द विच द गवर्नमेंट विल बियर द मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्जेज ऑन डेबिट कार्ड्स ₹2000। सरकार के द्वारा मर्चेंट डिस्काउंट रेट पे 2000 तक सरकार के द्वारा खर्च उठाया जाएगा। मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता क्या है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट, इट इज़ अ चार्ज टू अ मर्चेंट बाय अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम देयर कस्टमर्स। द मीन एंड द मर्चेंट डिस्काउंट रेट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज ऑफ ट्रांजेक्शन अमाउंट। देखिए मर्चेंट, जब आप मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता क्या है, जब आप दुकान में जाते हो, ठीक है, आप डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदते हो तो बैंक उस दुकानदार से कुछ चार्जेस करते हैं, ठीक है, जिसको मर्चेंट डिस्काउंट रेट बोला जाता है, जिस पे 2000 तक सरकार, जो भी खर्चा आएगा 2000 तक वो सरकार उठाएगा और मर्चेंट से कोई वो चार्ज नहीं लेगा बैंक 2000 तक। द साइज ऑफ द वेंचर कैपिटल फंड सेट अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन को दिया गया है फंड, दिया गया वो है 100 करोड़ रुपये का। द एम्बलेम्स मीन्स प्रतीक, द एम्बलेम्स ऑफ द 2022 बीजिंग ओलंपिक एंड पैरालंपिक विंटर गेम्स, विंटर ड्रीम्स एंड फ्लाइट, क्या है 2022 ओलंपिक, बीजिंग ओलंपिक एंड पैरालंपिक विंटर गेम्स का जो प्रतीक है, एम्बलेम्स है, वो है विंटर ड्रीम्स एंड फ्लाइट है। बीजिंग है चाइना में, ठीक है, चाइना इज कैपिटल बीजिंग। करेंसी है रेनमिनबी या युआन, करेंसी है रेनमिनबी या युआन, या प्रेजिडेंट है सी जिनपिंग। इंडियाज करेंट अकाउंट डिफिसिट CAD ड्यूरिंग द जुलाई सेप्टेम्बर 2017 पीरियड $7.2 मिलियन। इंडिया के जो करेंट अकाउंट डिफिसिट है जुलाई से सितंबर 2017 के लिए वो है $7.2 मिलियन। द न्यू इंक्रीज बेंच मार्क इंटरेस्ट रेट सेटअप बाई द US फेडरल रिजर्व, इंटरेस्ट रेट US फेडरल रिजर्व के द्वारा सेट किया गया है इंक्रीज करके, वो कितना है, वो 1.25 से 1.5% कर दिया गया। इंडियाज रैंक ऑन द लेगाटम, इंडियाज रैंकिंग ऑन द लेगाटम प्रोस्पेरिटी इंडेक्स 2017 100th। द लेगाटम प्रोस्पेरिटी इंडेक्स 2017 में इंडिया का रैंकिंग है 100वां। The batsman who hits the third double century to guide India to 141 run victory over the Sri Lanka in Mohali recently, Rohit Sharma। India का वह batsman जो कि 13 double century बनाया और तीसरका बनाया श्रीलंका के साथ, जिसमें 141 रन से जीता, वो batsman है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने तीसरा दोहरा सेंचुरी बनाया है। श्रीलंका के कैपिटल है कोलंबो, करेंसी है श्रीलंकन रुपीज एंड प्रेसिडेंट है मैत्रीपड़ा सिरिसेना। द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP ग्रोथ इन अक्टूबर 2017 2.2%। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ है इंडिया का 2017 में, अक्टूबर 2017 में, वो है 2.2%। द रिटेल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन नवंबर 2017। द रिटेल इन्फ्लेशन है बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस CPI पे बेस है वो है, और वो नवंबर 2017 में है 4.88%। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज मेजर दैट एग्जामिन्स द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ कंज्यूमर्स गुड्स एंड सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्टेशन, फूड, मेडिकल केयर। द कंट्री व्हिच हैज अनाउंस इट्स द डिसीजन टू रिकॉग्नाइज जेरूसलम एज द कैपिटल ऑफ इसराइल, US। वह कौन सा देश अनाउंस किया है कि जेरूसलम को अब इसराइल के कैपिटल के रूप में जाना जाएगा? वह है US, इसराइल का कैपिटल जेरूसलम। करेंसी न्यू सकेल एंड PM है बेंजामिन
बेंजामिन नेतान्याहू जो कि अभी इंडिया में आए हुए हैं। यूएस ने अब इसराइल के जेरूसलेम को रिकॉग्नाइज कैपिटल माना है। द न्यू डेडलाइन फॉर लिंकिंग आधार विथ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स 31 मार्च 2018। आधार लिंक करने का डेडलाइन कब है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स है वह है 31 मार्च 2018। द कंट्री व्हिच हैज बैंड इट्स द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम डेडलाइन इन वर्चुअल करेंसी सच एज बिटकॉइन वह कौन सा देश है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वर्चुअल करेंसी जैसे कि बिटकॉइन में डील करने से मना किया वह है साउथ कोरिया। इंडियाज फर्स्ट न्यू डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन इन ओवर 17 ईयर्स कमीशन इन मुंबई रिसेंटली। इंडिया का पहला डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जो कि अभी तुरंत मुंबई में कमीशन किया गया है वह है INS कलावरी। इंडियाज फर्स्ट न्यू डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन इन ओवर 17 ईयर्स कमीशन इन मुंबई रिसेंटली INS कलावरी। द फॉर्मर झारखंड CM हु वाज सेंटेंस टू अ 3 ईयर जेल टर्म बाई द स्पेशल कोर्ट बाई अ स्पेशल CBI कोर्ट रिसेंटली मधु कोड़ा। झारखंड के फॉर्मर CM कौन है जिनको कि CBI कोर्ट के द्वारा 3 साल की सजा सुनाई गई है वो है मधु कोड़ा। झारखंड का कैपिटल है रांची एंड गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू एंड CM है रघुवर दास। झारखंड के कैपिटल है रांची गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू एंड CM है रघुवर दास। द माउंटेन व्हिच हैज फाउंड टू बी ए न्यू हाईएस्ट माउंटेन इन द UK वह माउंटेन जो कि UK में सबसे हाईएस्ट माउंटेन फाउंड किया गया पाया गया वह है माउंट होप। द माउंटेन व्हिच हैज फाउंड टू बी न्यू हाईएस्ट माउंटेन इन द UK माउंट होप। द गल्फ कंट्री व्हिच हैज अनाउंस द लिफ्टिंग ऑफ द बैन ऑन द मूवी थिएटर इन द कंट्री आफ्टर मोर देन 35 ईयर्स सऊदी अरबिया। वह गल्फ कंट्री जो 35 साल बाद मूवी थिएटर से बैन हटाया है वो है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया का कैपिटल रियाद करेंसी है सऊदी रियाल एंड किंग है सलमान ऑफ सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया ने 35 साल बाद मूवी थिएटर से बैन हटाया। सऊदी अरबिया का कैपिटल रियाद करेंसी है सऊदी रियाल एंड किंग है सलमान ऑफ सऊदी अरबिया। द पर्सन अवार्डेड विद द एरारिंगन अवार्ड रिसेंटली MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को एरारिंगन अवार्ड दिया गया। MS स्वामीनाथन इज नोन एज इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। द विनर ऑफ द हॉकी वर्ल्ड लीग फाइनल HWLF इन द भुवनेश्वर ऑस्ट्रेलिया। हॉकी वर्ल्ड लीग फाइनल के विनर हैं जो कि भुवनेश्वर में हुआ है उसका विनर है ऑस्ट्रेलिया। द मेडल बॉर्न बाय इंडिया इन द HWLF डिफीटिंग जर्मनी ब्रॉन्ज। जर्मनी को हराकर इंडिया जो मेडल जीता वो मेडल है ब्रॉन्ज। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड PM है मैकलम टर्नबुल। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड PM है मालकम टर्नबुल। जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन करेंसी है यूरो प्रेसिडेंट है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर एंड चांसलर एंजेला मर्केल। जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन करेंसी है यूरो प्रेसिडेंट है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर एंड चांसलर है एंजेला मर्केल। द होस्ट ऑफ द 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप के होस्ट कौन सा देश करेगा वह देश है इंडिया। इंडिया में 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा। द हेड क्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपन ICAN व्हिच वॉन द 2017 नोबेल पीस प्राइज जिनेवा। जो 2017 के नोबेल पीस प्राइज जीता जो इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपन ICAN उसका हेड क्वार्टर कहाँ है उसका हेड ICAN का हेड क्वार्टर है जिनेवा। द पर्सन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ED इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है उमा शंकर। द पर्सन अपॉइंटेड एज एन द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली उमा शंकर। द पर्सन रिवर्ड एज द फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया हु पास्ड अवे रिसेंटली लालजी सिंह।
The person revered as the father of DNA fingerprinting in India, who passed away recently, Lalji Singh. Father of DNA fingerprinting in India के जो थे वो जो माने जाते थे वो फिलहाल ही जिनका फिलहाल ही निधन हो गया उनका नाम है लालजी सिंह. लालजी सिंह जाने जाते थे फादर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इन इंडिया. विनर ऑफ द ब्यास सम्मान 2017 ममता कालिया. ब्यास सम्मान 2017 के विनर कौन है? ममता कालिया. ब्यास सम्मान दिया जाता है लिटरेचर में. द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया. एयर इंडिया के न्यू चेयरमैन एंड एमडी कौन अपॉइंट किए गए हैं? कौन बने हैं? वो है प्रदीप सिंह खरोला. प्रदीप सिंह खरोला. द कंट्री व्हिच हैज बिकम द 42nd पार्टिसिपेटिंग स्टेट ऑफ द वासेनार अरेंजमेंट इंडिया. वह देश जो जो बना है 42वां पार्टिसिपेटिंग स्टेट ऑफ वासेनार अरेंजमेंट में, वह है इंडिया. द वासेनार अरेंजमेंट क्या है? द वासेनार अरेंजमेंट ऑन द एक्सपोर्ट कंट्रोल फॉर कन्वेंशनल आर्म्स एंड डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी. द वासेनार अरेंजमेंट ऑन द एक्सपोर्ट कंट्रोल फॉर कन्वेंशनल आर्म्स एंड डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी. द फर्स्ट इंडिया टू विन गोल्ड एट वर्ल्ड पारा स्विमिंग चैंपियनशिप रिसेंटली इन मैक्सिको. कंचनमाला पांडे पहला इंडियन जो कि वर्ल्ड पारा स्विमिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है कंचनमाला पांडे. कंचनमाला पांडे ने वर्ल्ड पारा स्विमिंग चैंपियनशिप जो कि मैक्सिको में हुआ है उनमें वह गोल्ड मेडल जीते हैं, उनका वो है कंचनमाला पांडे. द सिटी वेयर द आदिवासी महोत्सव आज हेल्ड रिसेंटली रायपुर. वह सिटी जहाँ पे आदिवासी महोत्सव फिलहाल में हुआ है वह है रायपुर. रायपुर है छत्तीसगढ़ के कैपिटल है. छत्तीसगढ़ का सीएम है रमन सिंह. गवर्नर है बलराम दास टंडन. छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती नेशनल पार्क, भैरमगढ़ नेशनल पार्क, कांगड़ घाटी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क एंड वर्णवा पारा नेशनल पार्क. छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर है. सीएम रमन सिंह, गवर्नर बलराम दास टंडन. छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती नेशनल पार्क, भैरमगढ़ नेशनल पार्क, कांगड़ घाटी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क एंड वर्णवा पारा सेंचुरी. द स्टेट फॉर विच द एडीबी हैज अप्रूव $346 million फॉर द हाईवे अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट कर्नाटका. वो स्टेट जो कि एडीबी ने $346 million लोन अप्रूव किया है वह स्टेट है कर्नाटका. वह कर्नाटका को एडीबी ने $346 million हाईवे अपग्रेडेशन के लिए लोन देने का निर्णय लिया है. कर्नाटका कैपिटल बेंगलुरु. सीएम सिद्धारामैया. गवर्नर है वजुभाई वाला. कर्नाटका का कैपिटल बेंगलुरु. सीएम है सिद्धारामैया. गवर्नर है वजुभाई वाला. कर्नाटका में है बांदीपुर नेशनल पार्क, मधुमलाई नेशनल पार्क, नागरहोले नेशनल पार्क, पन्नरघट्टा नेशनल पार्क, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बयान द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. कर्नाटका में बांदीपुर नेशनल पार्क, कर्नाटका में मधुमलाई नेशनल पार्क, नागरहोले नेशनल पार्क, बानरघट्टा नेशनल पार्क, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बयान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. एडीबी का हेडक्वार्टर फिलीपींस है एंड एडीबी का प्रेसिडेंट है ताकेहिको नकाओ. द कॉन्टेजियस बैक्टीरिया इन्फेक्शन ऑफ आई फ्रॉम विच इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर फ्री. वह बैक्टीरिया जिससे इंडिया मुक्त करार दिया है, इंडिया डिक्लेयर फ्री किया है, वह कौन सा बैक्टीरिया है? आई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ आई वह है ट्रैकोमा. ट्रैकोमा से अब इंडिया फ्री हो गया. द स्टेट वेयर द इंडिया एंड इसराइल हैव जॉइंटली सेट अप अ सेंट्रल फॉर एक्सेलेंस फॉर फ्लोरिकल्चर. तमिलनाडु. वह स्टेट जहाँ पे इंडिया एंड इसराइल मिलकर एक सेंटर खोला है फूलों की खेती के लिए, वह स्टेट है तमिलनाडु. तमिलनाडु है जहाँ पे इंडिया एंड इसराइल मिलकर फूलों की खेती के लिए एक सेंटर खोला है. इसराइल का कैपिटल है जेरूसलम. करेंसी है न्यू सकेल. प्रेजिडेंट है रूवेन रिवीन एंड पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू जो कि अभी इंडिया में फिलहाल आए हुए हैं. इसराइल के कैपिटल है जेरूसलम. करेंसी है न्यू सकेल. प्रेसिडेंट है
रिवेन रिवीन एंड पीएम है बेंजामिन नेतान्याहू। कैपिटल तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। सीएम है इडापड्डी के पलानीस्वामी तमिलनाडु के। और डांस है तमिलनाडु के फेमस वो है भरतनाट्यम। तमिलनाडु में है अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क एंड मुकुरुथी नेशनल पार्क। तमिलनाडु में है अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुरुथी नेशनल पार्क। द कंट्री रिसेंटली होस्टेड अ बोधि पर बिम्स्टेक फेस्टिवल ऑफ बुद्धिस्ट हेरिटेज। इंडिया वह देश जो कि बोधि पर बिम्स्टेक फेस्टिवल ऑफ बुद्धिस्ट हेरिटेज का होस्ट करेगा वह देश करेगा इंडिया। इंडिया में होगा बोधि पर्व। द फर्स्ट एवर ब्रोकिंग आर्म ऑफ अ बैंक टू टेक अ मेंबरशिप ऑफ अ कमोडिटी एक्सचेंज एक्सिस बैंक। वह पहला बैंक जो कि कमोडिटी एक्सचेंज में को लेगा वो है एक्सिस बैंक। द बैंक एंगेज बाय द गवर्नमेंट टू इनेबल ऑनलाइन पेमेंट एट 470 मंडी इंटीग्रेटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम ICICI बैंक। वह बैंक जिसको सरकार के द्वारा 470 मंडीज के ऑनलाइन पेमेंट के लिए इनेबल किया गया है वह बैंक है ICICI बैंक। ICICI का हेड क्वार्टर है मुंबई। CEO है चंदा कोचर। इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के लिए इंडिया का नया एम्बेसडर है अजहर ए एच खान। द बेस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रैंक्ड बाय द ट्रेवल पोर्टल ट्रिप एडवाइजर एंकोर वाट कम्बोडिया। यूनेस्को का सबसे बेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि ट्रिप एडवाइजर पे नंबर वन पे है वो है एंकोर वाट, और जिसमें इंडिया के ताजमहल का दूसरा स्थान है। द पोजिशन ऑफ इंडिया ताजमहल ऑन द रैंकिंग सेकेंड। यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। द फर्स्ट एनर्जी इफिशेंसी एवन कैटेगरी रेलवे स्टेशन ऑन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में एवन कैटेगरी का स्टेशन कौन सा है वो है काचेगुडा रेलवे स्टेशन हैदराबाद में है। टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर 2017 हैशटैग मी टू साइलेंस ब्रेकर्स। टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2017 के विजेता कौन है वो है हैशटैग मी टू साइलेंस ब्रेकर। द विनर ऑफ द फिफ्थ बैलेंडोर 2017 क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पांचवा बैलेंडोर 2017 के विजेता कौन है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। The head of the committee set up to address the problem of stressed assets in India's power sector, Amitabh Kant. The country which has allowed two people regardless of sex to marry, Australia. The country which now allows two people regardless of sex to marry, Australia. The winner of the first ever South Asian Regional Badminton Team Championship, India. पहला साउथ एशियन रीजनल बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है वो है इंडिया। द बिगेस्ट रॉक स्टार ऑफ फ्रांस हु पास्ड अवे रिसेंटली जॉनी हैलिडे। फ्रांस का बहुत बड़े रॉक स्टार जो जिनका निधन हो गया है वो कौन है उनका नाम है जॉनी हैलिडे। फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन। द सिटी वेयर द बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर वर इनॉग्रेटेड रिसेंटली। वह सिटी जहाँ पे बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर इनॉग्रेट किया गया है वह कौन सा सिटी है वह है न्यू दिल्ली। द पर्सन हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द केन्या रिसेंटली उहुरु केन्याटा। वह पर्सन जो कि केन्या के नया प्रेसिडेंट बनाए गए हैं उनका नाम क्या है उनका नाम है उहुरु केन्याटा। केन्या का कैपिटल है नैरोबी। केन्या का कैपिटल है नैरोबी और करेंसी है केन्यान सिलिंग। केन्या का कैपिटल है नैरोबी एंड करेंसी है केन्यान सिलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।